हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम समितियां यानी कमेटीज़ होती जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहा था उसके बारे में बात करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, पार्ट्स के बाद में बात करेंगे, ठीक है। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बेसिक हम बात करेंगे उनके बारे में। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक शॉर्ट नोट्स है ताकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये सेकंड पेपर के हिसाब से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी आता है और प्री का जीएस वाला है उसमें भी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा घुमा फिरा के आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी प्रीवियस पेपर में भी देख लीजिएगा और बार बार आते रहते हैं, ठीक है। इवन यूपीपीसीआई जेमिनी बिहार सिविल जज मिनी सब जितने भी एग्जाम है यहाँ से जब एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक स्टैचू ऑफ यूनिटी एक प्रतिमा बनी है, उसकी हाइट कितनी है, प्लस वो किस नदी के किनारे है, ठीक है, और वो जो बनी है उसका उद्घाटन किसने किया है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा बताइएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, और नेक्स्ट एक थोड़ा विवाद डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक जे बी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स मैं भी यहाँ पर आप लोगों को कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आयोग के, आयोग ने कभी इसको जे वी कृपलानी बताया है तो कभी कभी इसको राजेंद्र प्रसाद ही बताया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन सा करना है। आप या तो किसी अन्य सोर्स से या कमेंट बॉक्स में मुझे बहुमत के आधार पर आप लोग बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रूफ हो तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। बाकी इस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं जे वी कृपलानी भी है, कहीं कहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है। तो आप इसे गूगल करके या जिस तरह से भी हो प्लीज़ इसमें आप अपने हिसाब से कंक्लूजन निकालिएगा। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब इनकी मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, जहाँ पर संघ का नाम जुड़ जाए समझ लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रांत यानी जो राज्य को इकट्ठा किया था, तो राज्य को सबको मिलाया था, एक भारत बनाया था, यूनिटी का काम किया था, तो प्रांतीय संविधान समिति यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, ये याद रख सकते हो। संचालन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, यानी देश का जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने ही देश का संचालन किया, तो इस तरह से इसको याद आप रख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से संचालन समिति। और फिर हमारा प्रारूप यानी किसी चीज़ का प्रारूप जो पूरा स्टेटमेंट होता है, पूरा हमारी कैबिनेट होती है प्रारूप तैयार करते हैं पूरा, तो वो किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने ही देश का संविधान बनाया, कानून बनाया, तो उन्हीं को ही क्रेडिट जाता है। तो ये इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के। ये क्वेश्चन इसलिए आता है फ्रेंड्स, मैं इसको डीपली में आप लोगों को कराऊंगा विद केस लॉ। तो इसके इसमें कैसे आता है कि इसमें आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें मिलाते हैं कौन से इससे कौन मैचिंग में दे दिए जाते हैं कि समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है, ठीक है। तो कहाँ से किस अनुच्छेद तक का है ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए। समानता या समता का अधिकार जो होता है, राइट टू इक्वलिटी, वो आर्टिकल 14 से 18 तक होता है, ठीक है। स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक होता है, ठीक है। इसके लिए मैं बता दूँ राइट टू आर्टिकल 14 में, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी समानता का अधिकार है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 में मूल जाति धर्म या वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। 16वें आर्टिकल में है हमारा जो हमारे ये सरकारी नौकरियां होती है उनमें समानता का अवसर है। 17वें में अस्पृश्यता है यानी अनटचेबिलिटी है। 18 में उपाधियों का अंत है, टाइटल का अंत है। 19 में
इस तरह के ये 18 में हो गया, 19 आर्टिकल 19 से 22 तक का हमारे राइट टू फ्रीडम दिए गए हैं सारे, ठीक है। आर्टिकल 21A में राइट टू प्राइवेसी दिया गया है फ्रेंड्स, निजता का अधिकार, इसको जरूर याद कर लेंगे। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल, जो हमारे बलात् बलाश्रम में बलपूर्वक कार्य कराने या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराने का है, तो वो आर्टिकल 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन जो हमारे यहाँ 25 से 28 तक है। कल्चर एजुकेशन संबंधित राइट है हमारे 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है हमारा वो 32 है, जिसमें 5 रिट्स हमें दी गई हैबियस कॉर्पस, मेंडाबस, प्रोहिबिशन है, क्यूवारंटो जो दी गई है हमें, तो ये सारी उसमें दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इनको आपको क्रोनोलॉजी में इस तरह से सीरीज में आपको याद करना है, ठीक है, ताकि ये आप लोगों को वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह से आएगा कि इस तरह आप इधर आपको राइट्स दिए जाएंगे और इधर आर्टिकल, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको मैचिंग करना है। फिर नीचे ऑप्शन दिए होंगे कौन सा सही है, तो इस तरह का आपको घुमा फिरा के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाकर देगा, तो प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ से भी अभी अपर वाले में भी क्वेश्चन आया था, वो अपर वाले में नागरिकता पूछ ली गई थी कि कौन से भाग में है संविधान के, तो भाग दो में है, तो यहाँ से पूरी प्रोबेबिलिटी बननी है, प्री प्री के दोनों पेपर्स में यहाँ से प्रोबेबिलिटी बननी है क्वेश्चन की, तो मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप रट लीजिए किसी तरीके से, बिकॉज ला के स्टूडेंट्स तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको सब अच्छी तरह याद हो गई। तो यहाँ पर है आपका यूनियन एंड स्टेट्स, जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर 2 तक है, ठीक है। नागरिकता सिटीजनशिप जो है हमारी आर्टिकल 5 से 11 तक है, 5 में क्या त्यागना है, 11 में कैसे ली जाती है, 5 तरीके से हम सिटीजन बन सकते हैं भारत के, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है वीडियो में, प्लीज़ तो उन चीज़ों को भी याद रखें। उसमें ऑप्शन आपको आता है कि इन किस तरीके से नहीं ली जा सकती, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जो मैं पीछे बता ही चुका हूँ आपको। नीति निर्देशकता, तो जो DPSP होते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक होते हैं, ठीक है, और इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। और दूसरा मूल कर्तव्य होते हैं 51 से लेकर 100 तक के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 हैं ये सारे के सारे, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए भी आते हैं और प्री में ऑब्जेक्टिव बाय भी आ सकते हैं, लेकिन मेंस में आपके 100% लिखने के लिए आता है क्वेश्चन इनसे, डायरेक्ट आपको लिखवाने के लिए, और जब आपने लॉ LLB करते हैं तो भी एग्जाम में आते हैं। संघ के बारे में दिया गया है 52, यहाँ पर हम राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में पढ़ते हैं इसमें संघ वाले में पार्ट में आर्टिकल 51 तक, और यहाँ पर कैग भी जाता है 148 आर्टिकल में, तो यहाँ पर सारी जो संघ को पावर दी गई है वो है, प्लस फिर उसका जो कॉपी कर दिया गया है राज्य जो हमारे स्टेट हैं उनको 52 से 137 तक दिया गया है भाग 6 में, इसको ऐसे करके याद करें, भाग 6 में राज्य दिए गए हैं, भाग 7 निर्वासित कर दिया गया, 8 में जो इंपॉर्टेंट भाग है मैं वो बता रहा हूँ, संघ राज्य क्षेत्र हैं 239 से 244 तक, फिर संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है 245 से 263 तक, भाग 11 में, भाग 14 राज्य एवं संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं 308 से 323 तक, फिर 325 से, फिर यहाँ पर इलेक्शन निर्वाचन दे दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन है 324 में है, 324 से 329 तक है। राज्य राजभाषा जो है पार्ट 17 में है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 17 में राजभाषा, इसको जरूर देख लेंगे। भाग 18 में उपबंध है, ठीक है, और संविधान संशोधन हमारा भाग 20 में है जो आर्टिकल 368 में है, ठीक है, तो और 352 में और 360 तक हमारे आप उपबंध है, 360 से वित्तीय आपात है, इसको जरूर याद रखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, प्लीज़ इन्हें कलेक्ट कर लीजिएगा और बार बार इनका रिवीजन करिएगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो फ्रेंड्स अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फटाफट मुझे व्हाट्सअप करिएगा, 1000 उसकी मैंने फ़ीस रखी है, और वहाँ पर इसी तरह के और भी जो मटेरियल मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता हूँ या सजेशन पर्टिकुलरली मोटिवेटेड आप लोगों को करना मेरा काम है। कुल आज का दिन लगा के 37 डेज बचे हैं, तो आप लोगों को एक फुल स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को दूंगा, PDF वगैरह वहाँ पर आपको प्रॉपर मिलेंगी, तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे तुरंत मैसेज करिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा तुरंत। ये वाली PDF मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, और बाकी इस तरह के और आपको चाहिए तो आप वो पेड ग्रुप से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए अभी जुड़ रहे हैं, और जो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन और अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहें। बाय।